दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2022 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय जारी कर दिया है। जहां एक तरफ कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे, वहीं दूसरी तरफ यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, झारखंड राज्य और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड के छात्र हैं, सभी दसवीं और बारहवीं के बोर्ड के छात्रों की यही डिमांड थी कि इस बार भी एग्जाम न हो, बिना परीक्षा के छात्रों को प्रमोट किया जाए। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी कि जब कक्षाएं ऑनलाइन लगी हैं तो आप लोगों के एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने चाहिए। और यहां पे काफ़ी बड़ा फैसला आ चुका है, आप सभी बता दें। लगातार छात्र यहां पे कह रहे थे छात्रों को प्रमोट भी किया जाए, क्योंकि छात्रों का सिलेबस कम्प्लीट नहीं हुआ है, प्रमोट किए जाएँ दसवीं और बारहवीं के इच्छुक छात्र, और ना ही छात्रों की रेगुलर क्लासेस लगी। 2022 में कुल मिलाकर पढ़ाई ना के बराबर हुई है। इससे पहले भी जब छात्रों को प्रमोट किया जा चुका है 2020 और 2021 में, तो इस बार भी छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। अगर एग्जाम हुए, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो एग्जाम में परसेंटेज काफी ज्यादा गिरेगी। और यहाँ पे आप लोगों को बता दें, काफी बड़ा फैसला, आप लोगों के अब एग्जाम्स रद्द किए जा सकते हैं। और लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप लोगों के एग्जाम्स को ऑनलाइन कराने का भी प्रस्ताव रखा जा चुका है। काफी बड़ा फैसला आ रहा है, आपको बता दें। जितने भी